हेलो एवरीवन, आई एम सीए श्रीराम अग्रवाल। वेलकम टू सीए विद श्रीराम। आज अपन स्टार्ट करते हैं डीटी का लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 11, असेसमेंट प्रोसीजर। वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार जो डिस्क्रिप्शन होगा, मैं उसमें एक साथ में सारे पीडीएफ की एक साथ फाइल अटैच कर दूंगा, ताकि आपको जो पूरे डायरेक्ट टेक्स्ट का 70 मार्क्स का पार्ट है, उसकी बुक्स एक साथ मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 11, असेसमेंट प्रोसीजर। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि फाइलिंग ऑफ रिटर्न होता है, वो किस किस को फाइल करना पड़ता है। रिटर्न कंपनी और फर्म है, उसके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, पॉलिटिकल पार्टी हो गया, रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज एजेंसी या ट्रेड यूनियंस है, अगर उनकी इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11, 12, 13 या फिर 13A की एग्जेम्पशन लिए बिना अगर उनकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से एक्सीड करती है, तो उनको भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं थर्ड नंबर पे, तो वो आता है यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इनके लिए भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। चाहे इनकम कितनी भी हो, अगर इनकम 10 रुपए भी है तो भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। उसके बाद में आता है थर्ड, कोई और एसएससी है, अगर मान लो जैसे ये बच गए इंडिविजुअल, एचईएफ हो गए, एओपी हो गए, बीओआई हो गए, इनके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी तभी है जब ये चार कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन वो फुलफिल करते हैं। पहले की अगर मान लो उनकी इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA और 54GB और कोई भी इनकम बेस्ड डिडक्शन है चैप्टर 6A के, इनको क्लेम करने से पहले अगर उनकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से एक्सीड करती है, तो उनको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा। उसके बाद में अगर एसएससी ने उसी ईयर में 1 करोड़ या मोर अपने एक या दो करंट अकाउंट में मिला के डिपॉजिट करें, या फिर कोई कोऑपरेट बैंक में जो करंट अकाउंट है उसमें डिपॉजिट करें, तो उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। उसके बाद में अगर एसएससी ने कोई एक्सपेंडिचर किया है फॉरेन ट्रेवल टू फॉरेन कंट्री, उसके लिए 2 लैक्स किया, उसके ऊपर का एक्सपेंस किया है, तो भी उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। और अगर जो एसएससी है उसका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का अमाउंट है वो 1 लाख या उससे एक्सीड करता है, तो भी उसके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये चार कंडीशन में कोई सी भी एक कंडीशन फाइल होती है, तो फिर उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। उसके बाद में यहाँ एक अलग से है कि भाई अगर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट अगर इंडिविजुअल है, उसके लिए उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा अगर उसके लिए दो कंडीशन है, उनमें से एक कंडीशन फुलफिल होती है कि अगर मान लो वो बेनिफिशियल ओनर है कोई एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, या फिर कोई साइनिंग अथॉरिटी है, मतलब मान लो जैसे कोई बैंक अकाउंट है उसमें उसकी साइनिंग अथॉरिटी साइन चलता है उसका, तो फिर उसको वहां पे उसको भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। और अगर मान लो कोई जो वो कोई बेनिफिशियरी है, मतलब कोई एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है उसका, वो बेनिफिशियर ओनर है, पहले तो मैंने बेनिफिशियल ओनर की बात करी, अब मैंने बोला बेनिफिशियरी है, मतलब उसका बेनिफिट है ना वो उसको मिलता हो, भले ही वो ओनर नहीं हो लेकिन उस एसेट का बेनिफिट अगर उसको मिलता हो, तो भी उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या होगी। अब जैसे सबसे पहले जो कंपनी है या फिर जो पार्टनरशिप फर्म है या फिर कोई ऐसी एंटिटी जिसकी जिसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, मतलब जिसके अकाउंट ऑडिट हुए हैं, या फिर कोई पार्टनर हो गया, मतलब जो कि जिस ऐसी फर्म का जिसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, मतलब जिसको ऑडिट कराना मैंडेटरी है, तो इन तीन केस में ड्यू डेट होगी वो 31 अक्टूबर होगी। यानी एक तो कंपनी हो गया, एक ऐसी एंटिटी जिसके अंदर ऑडिट कराना कंपलसरी है, और एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसको ऑडिट कराना मैंडेटरी है और उसके सारे पार्टनर्स, इनके लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न होगी वो 31 अक्टूबर है। ये सिर्फ इस ईयर के लिए है, आपको 31 अक्टूबर याद रखना है। उसके बाद में अगर मान लो जो ऐसी कोई एंटिटी है उसके ऊपर अगर मान लो सेक्शन 92E की अगर रिपोर्ट उसको पब्लिश करनी पड़ती है, तो उनके लिए ड्यू डेट होगी वो 30 नवंबर होगी। और उसके बाद कोई और एसएससी है उनके अलावा बात करें, तो उनके लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 31 जुलाई होगा। उसके बाद में यहाँ पे बोला रिटर्न ऑफ लॉस, रिटर्न ऑफ लॉस का मतलब क्या होता है, जैसे नॉर्मल जो रिटर्न फाइल होती है वो 31, 39(1) में होती है, तो रिटर्न ऑफ लॉस का मतलब क्या होता है कि जिस ईयर में लॉस भी हो रहा है उस ईयर में भी एसएससी को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर उस ईयर में रिटर्न फाइल नहीं किया तो वो उस ईयर का जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ ध्यान रखना अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, चाहे अपन ने रिटर्न फाइल किया है चाहे नहीं किया, लेकिन बाकी जो लॉस है वो अपन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है बिलेटेड रिटर्न का मतलब होता है कि अगर अपन ने जो 139(1) के अंदर टाइम लिमिट थी, जो अभी अपन ने बात करी थी 31 अक्टूबर, 30 नवंबर और 31 जुलाई, अगर इसके बाद तक रिटर्न फाइल नहीं किया, तो बिलेटेड रिटर्न का मतलब होता है अपन इन एक टाइम उस टाइम लिमिट के अंदर अगर रिटर्न फाइल कर दे तो भी वो रिटर्न वैलिड माना जाएगा, उसे बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं। तो सबसे पहले कौन सा टाइम लिमिट है, बिफोर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, मतलब जो जिस फाइनेंशियल ईयर की अपन बात करते हैं उसका जो असेसमेंट ईयर है, रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है, उसके एंड होने से पहले वो फाइल कर सकते हैं, या फिर बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, अगर उससे इस ईयर से पहले ही कंप्लीट हो गया, तो इन दोनों में से जो
अर्लियर होगा उस ईयर के अंदर उस टाइम लिमिट के अंदर उसको रिटर्न फाइल करना होगा, अगर फाइल कर दी तो वो बिलेटेड रिटर्न होगा। उसके बाद रिवाइज रिटर्न होगा, एसएससी जितनी बार चाहे उतनी बार अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकता है, सेक्शन 139 में फाइल करी हो चाहे बिलेटेड रिटर्न हो, कोई भी रिटर्न हो अगर वो चाहे तो उसको रिवाइज करता है। रिवाइज की भी टाइम लिमिट सेम है कि भाई बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर या बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिच इज अर्लियर, मतलब रेलिवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने से पहले या फिर अगर उस एसएससी का असेसमेंट हुआ है और असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले इनमें जो डेट अर्ली होगी अर्लियर होगी उस डेट तक वो रिवाइज कर सकता है। डिफेक्टिव रिटर्न, रिटर्न का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई चीज है उसमें इनकंप्लीट रह गई है तो वहां पे एसएससी को, एसएससी ऑफिसर को लगता है रिटर्न डिफेक्टिव था तो वो एसएससी को अपॉर्चुनिटी देता है कि 15 दिन के अंदर वो रिटर्न को रेक्टिफाई कर दे, अगर 15 दिन के अंदर वो चाहे तो उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मतलब उस, और अगर मान लो 15 दिन ऐसा अपन नहीं करते हैं तो फिर वो रिटर्न इनवैलिड हो जाएगा अपना। उसके बाद में सेल्फ असेसमेंट टैक्स आता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का मतलब होता है कि जो अपन ने अमाउंट टैक्स पेएबल आता है ना अपना आफ्टर कंसिडरिंग, मतलब हमने जैसे एडवांस टैक्स पे किया, टीडीएस, डीसीएस, इन सबको टैक्स क्रेडिट हो गया फॉरेन करेंसी से या फिर कोई और टैक्स क्रेडिट हो गया, ये सब माइनस करने के बाद जो अमाउंट पेएबल आता है वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है, वो उतना अमाउंट अपन को पे करना पड़ता है तभी अपन रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट क्या होता है, अगर मान लो जैसे अपन इससे कोई अमाउंट ड्यू है तो उसका ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट क्या होता है, सबसे पहले कोई फीस पेबल अपन वो पे, उसके अगेंस्ट वो एडजस्ट होगा, उसके बाद कोई इंटरेस्ट पेबल उसके अगेंस्ट एडजस्ट होगा, और लास्ट में अगर कोई टैक्स पेबल है उसके अगेंस्ट एडजस्ट होगा। तो सबसे पहले फीस, उसके बाद इंटरेस्ट, उसके बाद में टैक्स का अमाउंट। इसके बाद में आता है सेक्शन 142 इंक्वायरी बिफोर एडजस्ट बिफोर असेसमेंट, असेसमेंट से पहले इंक्वायरी होती है, उसमें क्या होता है ये नॉर्मल 142 का नोटिस आता है तो उसमें क्या होता है कि तीन चीज के लिए नोटिस होता है। सबसे पहले अगर मान लो एसएससी ने उस नोटिस में बोल सकते हैं कि आप अपनी रिटर्न फाइल करो, आपने रिटर्न फाइल नहीं की है, या फिर अगर मान लो कोई और एसएससी के लिए अपन एसएससी है, मतलब उसके अगेंस्ट भी अपन रिटर्न फाइल करनी पड़ती है तो अपन को बोल सकते हैं कि रिटर्न फाइल करो, या फिर अगर मान लो कोई इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन यहां ध्यान रखना इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट जिस ईयर की अपन बात करें उससे पिछले 3 साल के ही मांग सकता है, उससे ज्यादा नहीं मांग सकता। उसके बाद में यहां बोल रहा है कि अगर कोई और, अगर अपन को फर्निश करना हो कोई और पॉइंट मैटर जो एसएससी को लगता हो तो वो भी वो अपन से मांग सकता है, ये 3 अगर कंडीशन हो तो 142 का नोटिस आता है। उसके बाद में आता है ऑडिट अंडर सेक्शन 142 यानी 142(2)(a) के अंदर लिखा हुआ है कि अगर जैसे 142 में जो अपन ने पढ़ा ना ये 3 केस, उसके अंदर मान लो एसएससी को लगता है, एओ को लगता है कि अगर उसकी ऑडिट कराना कंपलसरी है तो फिर यहां ऑडिट का ऑर्डर दे सकते हैं, उसे अपन स्पेशल ऑडिट भी कहते हैं, कि अगर मान लो एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग असेसिंग ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ पीसीसीआईटी सीआईटी पीसीआईटी और सीआईटी, यहाँ ध्यान रखना यहाँ प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, इन सब का अप्रूवल कंपलसरी होता है, या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हो गया, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हो गया, इनका कंपलसरी अप्रूवल लेना पड़ता है अगर अपन को ऑडिट करवानी है तो। और उसके बाद में ध्यान रखना यहाँ पे है ना किस किस रीजन की वजह से अपन ऑडिट करवानी पड़ती है, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, अपन को लगता है कोई अकाउंट्स वगैरह कॉम्प्लेक्स है, या फिर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, डाउट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ अकाउंट, अपन को लगता है कुछ घपलेबाजी करी है उसने, या मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, बार बार कोई ट्रांजेक्शन रिपीट हो रहा है अपन को ऐसा लग रहा है, कोई स्पेशलाइज नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, मतलब कोई ऐसा काम है जो अपन को आता ही नहीं है, भाई अजीब सा ही काम है जैसे बैंक वगैरह का, बैंक का मान लो एसएससी को नॉलेज नहीं है तो हो सकता है वो उसके लिए भी करवा सकता है, कोई इंटरेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, मतलब लगता है कि भाई इससे सरकार का भला होगा, मतलब कुछ टैक्स पेबल आएगा तो भी वो करवा सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे ध्यान रखना अकाउंटेंट होगा वो नॉमिनेट कौन करेगा, पीसीसीआईटी सीआईटी पीसीआईटी या सीआईटी, ये अगर 4 ही % नॉमिनेट करेंगे, उसके बाद ध्यान रखना जो भी इस ऑडिट का खर्चा होगा वो भी यही 4% देंगे, पीसीसीआईटी सीसीआईटी पीसीआईटी और सीआईटी यही उसका ऑडिट का खर्चा देंगे। 180 डेज के अंदर ऑडिट रिपोर्ट देनी है, मतलब जितना टाइम अपन उसको देंगे कि भाई इतने टाइम के अंदर अपन को, मतलब ऑडिटर को बोलेंगे कि इतने टाइम के अंदर ऑडिट रिपोर्ट दे दो, और उसको अपन चाहे तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर ऑडिटर को लगता है, एसएससी को लगता है तो। लेकिन यहाँ ध्यान रखना मैक्सिमम जो टाइम एक्सटेंड होने के इंक्लूडिंग 180 डेज से ऊपर नहीं जा सकता है, सारा का सारा जो रेम्यूनेशन होगा वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी। और यहाँ ध्यान रखना अगर एसएससी है वो वहां पे मान लो उसको ऑडिट नहीं करने देता या कोई नहीं करवाने देता है, कुछ इशू करता है बीच में, तो 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है ऑडिटर का, नहीं सॉरी एसएससी का। उसके बाद अपन बात करते हैं रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, अगर मान लो एसएससी को लगता है कि वैल्यूएशन कोई चीज की वैल्यू करवानी है तो वो वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफरेंस दे सकता है किस किस चीज की वैल्यू करानी हो, अगर मान लो किसी चीज की फेयर वैल्यू निकालनी हो कोई एसेट की या प्रॉपर्टी की या इन्वेस्टमेंट की, तो फिर वो वहां पे वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है। वैल्यूएशन ऑफिसर वो होगा वो अपने वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से वहां पे वैल्यू निकालेगा। उसके बाद में अगर एसएससी कोऑपरेट नहीं करता है उसमें भी वैल्यू निकालने में भी तो भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगा, जहां पे भी एसएससी कोऑपरेट नहीं करता डिपार्टमेंट के साथ सेक्शन 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाता है, उसकी अपन बाद में बात करेंगे। उसके बाद में यहां वैल्यूएशन ऑफिसर को वो जो रिपोर्ट देनी होती है वो असेसिंग ऑफिसर और एसएससी दोनों को देनी होती है, 6 मंथ्स के अंदर अंदर देनी होती है, जिस दिन
रीजन से उसको रेफरेंस किया उस स्क्रीन के अंदर से। उसके बाद सेक्शन 143 आता है। अपन सीक्वेंस में चल रहे हैं ताकि अपन को आपको अच्छे समझ में आए। सबसे पहले एक नोटिस आता है एसएससी को कि भाई आप वगैरह वगैरह 142 में आता है कि आपको रिटर्न फाइल करनी है या कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई और डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए। उसके बाद 143 में असेसमेंट होता है। अब मान लो जैसे यहाँ पे लिखा वेर रिटर्न हैज बीन मेड 139 में रिटर्न फाइल किया या 142(1) में जो नोटिस अपन ने बोला था तीन चीजों के लिए नोटिस फाइल होता है, अगर उसमें लगता है एसएससी को कि भाई अगर मान लो कोई इशू है तो फिर वो इसको मतलब विल बी डीम टू बी डिमांड नोटिस हो सकता है, वो मतलब उसको डिमांड नोटिस माना जाएगा। इफ रिफंड रिफंडेबल है तो रिफंड भी दिया जाएगा एसएससी को इसके अंदर। यहाँ ध्यान रखना है समरी असेसमेंट बोलते हैं उसको 142(1) 143(1) में। 143(1) क्या बोलता है कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, अगर मान लो कोई एसएससी है उसका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम होगा, मतलब ये इंटीमेशन होता है ना, उसको बोलते हैं इंटीमेशन आता है। हर बार अपन रिटर्न फाइल करते हैं तो एक इंटीमेशन आता है। इंटीमेशन में क्या क्या करेक्शन होते हैं, एक अर्थमेटिकल एरर है, मान लो कोई कैलकुलेशन एरर है, कोई इनकरेक्ट क्लेम ले लिया, कोई चीज का क्लेम नहीं मिलना चाहिए फिर भी अपन ने क्लेम कर लिया, या कोई मान लो रिटर्न फाइल लेट करी तो उसमें जो डिसअलाउंस होती है वो अपन ने कंसिडर नहीं करी, या फिर मान लो कोई एक्सपेंडिचर है वो ऑडिट रिपोर्ट में तो डिसअलाउ हुआ है लेकिन अपन ने उसको रिटर्न में कंसिडर नहीं किया, या कोई मान लो डिडक्शन अगर रिटर्न फाइल लेट करिए तो 10 या 80 के जो 80 सेक्शन 80 के जो डिडक्शन है वो नहीं मिलते हैं तो उनका डिसअलाउ किया या नहीं किया, वो अपन उसमें चेक करते हैं। उसके बाद यहां ध्यान रखना ये 143(1) इंटीमेशन होता है, उसमें नॉर्मल जो एसएससी ने रिटर्न के हिसाब से इनकम कैलकुलेट करी है, उसके बाद जो डिपार्टमेंट को लगता है वो दोनों कैलकुलेशन होकर आती है, उसमें डिफरेंस आता है तो एसएससी को आगे प्रोसीड करना होता है 143(2) के अंदर। उसके बाद में क्या होता है, यहां लिखा हुआ है कि भाई यहाँ ध्यान रखना इंटीमेशन है वो विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है ना, तब तक में ही अपन भेज सकते हैं, मतलब इंटीमेशन शैल बी प्रिपेयर्ड एंड जनरेटेड एंड सेंड टू द एसएससी, मतलब वो है ना एसएससी को 1 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, जिस ईयर में अपन रिटर्न फाइल किया उस ईयर के एंड से 1 साल के अंदर अंदर आपको है ना वो इंटीमेशन भेजना होता है, और अगर मान लो इंटीमेशन उसके बाद भेजा तो वो कंसिडर नहीं किया होता है। उसके बाद सेक्शन 143(2) आता है और 3 आता है। 143(2) क्या बोलता है, एसेसिंग ऑफिसर को लगता है कि मान लो कि उसका उसको मतलब असेसमेंट होना चाहिए तो फिर वो एक असेसमेंट का ऑर्डर पास कर सकता है, उसके लिए मतलब उसके लिए नोटिस इशू कर सकता है उसको, उसके कि भाई तुम्हारा असेसमेंट होगा इन नॉर्मल मैनर है, उसमें उसे बोलते हैं अपन स्क्रूटनी असेसमेंट। तो यहां से अपना असेसमेंट एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है कि जब असेसिंग ऑफिसर को लगता है कोई 142(1) के अंदर कोई इंफॉर्मेशन फर्निश की उसके हिसाब से या 143 के इंटीमेशन के हिसाब से तो फिर उसको लगता है तो फिर वहां पे उसका यहां पे नोटिस इशू करता है 143(2) में, इसके लिए स्क्रूटनी असेसमेंट जिसको बोलते हैं अपन। और यहां ध्यान रखना नोटिस cannot be issued after the expiry of 6 months from the end of the financial year in which return of income was furnished, मतलब जिस ईयर में अपन रिटर्न फाइल किया, मैं ये नहीं बोल रहा हूं जिस ईयर का रिटर्न है, जिस ईयर में अपन रिटर्न फाइल किया यानी असेसमेंट ईयर में जब अपन ने रिटर्न फाइल किया उसके एंड के 6 महीने के अंदर अंदर ये नोटिस इशू करते हैं, उसके बाद में अपन इशू नहीं कर सकते हैं। और एसएससी ऑफिसर शैल कंसीडर आफ्टर कंसीडर द एविडेंस प्रोड्यूस बाय एसएससी के एविडेंस है, कोई और एविडेंस जो उसने गैदर करे हैं, उसके बाद में वो नोटिस इशू करता है और डिटरमाइन करता है कितना अमाउंट पेबल है। वो नोटिस में वो लिखेगा कि इतना अमाउंट एसएससी से ड्यू है या इतना रिफंड उसने ज्यादा क्लेम किया था अभी कम ड्यू है, वैसा करके वो एक नोटिस बनाता है। उसके बाद में सेक्शन 144 आता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। कहीं पे भी एसएससी कोऑपरेट नहीं करता है तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाता है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मतलब डिपार्टमेंट को जो ठीक ठाक लगता है वो उसके हिसाब से जजमेंट करती है, इसमें ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट अपने हिसाब से कुछ भी मर्जी चला लेती है, ऐसा है कि एओ असेसिंग ऑफिसर बेस्ट जजमेंट करता है। तो उसमें क्या होता है, अगर मान लो 142 का नोटिस दिया था उसका एसएससी रिप्लाई नहीं करता है या उसके उसके में जो लिखा हुआ है उसको फॉलो नहीं करता है या रिटर्न फाइल नहीं किया 139(1) में या 139(4) में, या फिर मान लो रिटर्न फाइल किया और जो 143(2) में जो स्क्रूटनी असेसमेंट में जो रिक्वायरमेंट थी अगर मान लो वो उसने कंप्लाई नहीं करी तो इन केसेस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। और जो भी इंफॉर्मेशन एसएससी को एसएससी ऑफिसर को जो मिली है उनको गैदर करके वो यहाँ पे बेस्ट जजमेंट अपने हिसाब से जो उसको लगता है बेस्ट उसके हिसाब से वो असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाता है तो कोई भी रिफंड ग्रांट नहीं किया जाएगा, कोई भी रिफंड नहीं देंगे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की वजह से। उसके बाद में आता है 144A, उसमें क्या होता है, पावर ऑफ जॉइंट कमिश्नर टू इश्यू डायरेक्शंस, मतलब अगर जॉइंट कमिश्नर होता है उसको लगता है या तो उसको खुद को लगता है या मान लो एसएससी ऑफिसर को लग रहा है या एसएससी ने खुद ने एप्लीकेशन कर दी, यानी तीनों आदमी या एक तो एसएससी को खुद को लगता है या एसएससी ऑफिसर ने उस एप्लीकेशन दे दी या फिर जॉइंट कमिश्नर को खुद को लगता है तो फिर वो उसको कोई लगता है कि मान लो कोई इशू की जरूरत है तो वो कोई एग्जामिनेशन वो कॉल फॉर एग्जामिन और रिकॉर्ड एनी प्रोसीडिंग इन विच एनी असेसमेंट इज पेंडिंग इफ यू कंसीडर एंड हैविंग रिगार्ड टू द नेचर, मतलब अगर मान लो कोई जो 5-6 रीजन थे कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह होती है उनसे उसको लगता है तो वो इश्यू डायरेक्शन कर सकता है एसेसिंग ऑफिसर को, तो उसके लिए वो डायरेक्शन इश्यू करेगा कैसे क्या होगा,
और वो जो डायरेक्शन देगा, मतलब कैसे आगे एससी है वो आगे, एससी ऑफिसर वो आगे कैसे बढ़ेगा, मतलब आगे क्या करेगा, उसके बाद में उस ये डायरेक्शन जो जॉइंट कमिश्नर देता है वो बाइंडिंग होती है एससी ऑफिसर पे, एससी पे बाइंडिंग नहीं होती, एससी ऑफिसर पे होती है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, नो डायरेक्शन, अगर अपन कोई भी ऐसी प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एससी है ना, तो ऐसी कोई डायरेक्शन इशू नहीं कर सकता जब तक एससी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड नहीं देती। मतलब जहां पे भी एससी को लगता है एससी के साथ कुछ गलत हुआ है, उससे पहले उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड देनी। उसके बाद में आता है सेक्शन 143-144C, ये होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, ये तभी एप्लीकेबल होता है, मतलब फास्ट ट्रैक में अपन को जल्दी से कुछ काम करना हो, मान लो अगर नहीं किया तो कुछ इशू हो जाता है, तो जल्दी जल्दी को करने के लिए स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट है ना, उसके लिए ये आया है। उसमें क्या होता है, अगर मान लो कोई एलिजिबल एसएससी है ना, उस वो है ना, मान लो इन केस ऑफ असेसमेंट ऑफ एलिजिबल एसएससी, एलिजिबल एसएससी का मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिनको मान लो अगर ऐसा एसएससी है जिस पर ट्रांसफर प्राइसिंग का ऑर्डर लगा है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर है ना, उसने कोई ऑर्डर पास किया जो उसके उससे उसकी इनकम को वेरी कर रहा है, या फिर अगर मान लो कोई नॉन रेसिडेंट या नॉन फॉरेन कंपनी है उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। अगर मान लो कोई एसएससी ऑफिसर है वो क्या करेगा, ड्राफ्ट ऑर्डर है ना, ये ड्राफ्ट ऑर्डर वो मतलब पास करेगा, उसके बाद में जहां पे वो वेरिएशन कर रहा है, मतलब कोई वेरिएशन करता है ना वो इनकम में, तो वो ड्राफ्ट ऑर्डर पास करेगा एसएससी को। फिर एसएससी को अगर लगता है कि ये ड्राफ्ट ऑर्डर सही है तो वो 30 दिन के अंदर या तो एक्सेप्ट करेगा उसको, या फिर अगर मान लो उसको लगता है गलत है तो फिर वो ऑब्जेक्शन फाइल करेगा। किसको ऑब्जेक्शन फाइल करेगा, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल को और एसेसिंग ऑफिसर दोनों को। मतलब कोई ऑर्डर मान लो ऐसा पास हुआ है, उसमें अगर एसेसिंग ऑफिसर कुछ गड़बड़ कर रहा है, मतलब कुछ वेरिएशन कर रहा है, तो अगर एसएससी को लगता है कि हाँ वेरिएशन सही है तो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं होगा तो ऑब्जेक्शन फाइल करेगा। किसको करेगा, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल। यहां पे काम आता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल का। तो वहां पे क्या होगा, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल क्या होता है, उसमें 3 कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होते हैं जो मतलब अपने मेजोरिटी ऑफ द वोट से डिसाइड करते हैं क्या होना चाहिए। अब असेसिंग ऑफिसर है वो, उसको ड्राफ्ट ऑर्डर जो पास किया ना उसमें उसका जो मतलब असेसमेंट है ना वो कंप्लीट करना पड़ता है 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर कंप्लीट करना पड़ता है अगर एसएससी ने एक्सेप्ट कर लिया तो। और यहाँ पे बोला है कि अगर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल सेल इन केस ऑफ ऑब्जेक्शन आर रिसीव्ड, मतलब अगर ऑब्जेक्शन रिसीव हुई है तो वो डायरेक्शन इशू करेगा जो उसको ठीक लगती है असेसिंग ऑफिसर के लिए। और यहाँ ध्यान रखना, जो भी डायरेक्शन इशू करेगा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल वो असेसिंग को बाइंडिंग रहेगी। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सारे जो डिसीजन लेगा वो मेजोरिटी ऑफ बोर्ड्स के हिसाब से लेगा। और यहां पे लिखा है कि सच डायरेक्शंस, जो डायरेक्शन इशू करता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, तो वो है ना विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ड्राफ्ट ऑर्डर वॉज फॉरवर्डेड टू द एलिजिबल एससी, मतलब जिस मंथ के अंदर ड्राफ्ट ऑर्डर फॉरवर्ड किया ना एलिजिबल एससी को, उस मंथ के 9 months के अंदर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल है ना उसको डायरेक्शन इशू करनी पड़ती है। और वो वहां पे कोई भी मे कंफर्म रिड्यूस और एनहेंस द अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन द ड्राफ्ट ऑर्डर, मतलब जो एसेसिंग ऑफिसर ने जो ड्राफ्ट ऑर्डर पास किया ना उसके अंदर जो अमाउंट है उसको कम भी कर सकती है, ज्यादा भी कर सकती है, और उतना को उतना भी रख सकती है। तो ये काम होता है इस तरीके से, एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल का काम है ताकि ये स्पीड से जल्दी रिजॉल्व हो जाए। पहले एसेसिंग ऑफिसर है वो ड्राफ्ट ऑर्डर पास करता है, फिर वो एसएससी एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, और यहाँ पर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वहाँ 9 months के अंदर अंदर अपना ऑर्डर पास करती है ताकि वो जल्दी से जल्दी काम हो। उसके बाद सेक्शन 147-149 की बात करें तो ये होता है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। अगर एसेसिंग ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट इनकम चार्जेबल हैज एस्केप्ड असेसमेंट इन एनी असेसमेंट ईयर ही मे असेस और रीअसेस सच इनकम, मतलब एसेसिंग ऑफिसर को के पास रीजन टू बिलीव है कि वो इनकम है वो मतलब एस्केप हुई है, मतलब इनकम पे टैक्स नहीं लगा है, तो फिर वो यहां पे इनकम को एसएस या रीएसएस कर सकता है। यहां पे ध्यान रखना कि एनी इशू व्हिच हैज कम, मतलब ऐसा कोई इशू था जो पहले कंसीडर नहीं हुआ था असेसमेंट में, लेकिन बाद में जब असेसिंग ऑफिसर यहां पे जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट हुआ उसके अंदर उसको वो मिलता है, तो इवन वो अगर नॉर्मल जो मेन असेसमेंट था उसका पार्ट नहीं था फिर भी वो उसको यहां कंसीडर कर सकता है। यानी अगर कोई नया इशू मिलता है कि पहले उसको अपन कंसीडर नहीं किया था, मान लो कोई डेप्रिसिएशन था, पहले डेप्रिसिएशन को अलाउ नहीं किया था, कोई डेप्रिसिएशन का चर्चा नहीं था, उसके बाद इस बार अपन को लगता है डेप्रिसिएशन गलत था तो भी अपन उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जो पहले किया था वही कर सकते हैं, नया अगर कोई चीज मिलती है अपन को लगता है वो गलत हुआ है तो अपन उसको कंसीडर वहां पे कर सकते हैं। यहां पे एक्चुअली क्लियरली बोला है कि वेयर असेसमेंट जो 143(3) में पास हुआ और 147 है वो अगर असेसिंग ऑफिसर ने ऑलरेडी पास कर दिया तो कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं फ्रॉम द एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब जिस ईयर रिटर्न फाइल हुआ था वो जो असेसमेंट ईयर था ना उसके एंड के 4 साल के बाद में कोई भी अपन उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब 143 या 147 अगर ऑलरेडी बना दिया और उसके 4 साल भी खत्म हो गए तो फिर अपन को उसके बाद में कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं इस सेक्शन के अंदर। रीजन टू बिलीव का मतलब क्या होता है, रीजन टू बिलीव मतलब
उसके पास एक्चुअली रीजन होने चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं एसेसिंग ऑफिसर के पास में। ऐसा नहीं होगी अगर कोई उसको लग रहा है कि चार पांच आदमी बात कर रहे थे, गॉसिप कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि भाई फलाने आदमी का ऐसा हुआ था, उसने इनकम एस्केप किया, तो उसके बेसिस पे नहीं कर सकता, उसके रीजन टू बिलीव होनी चाहिए। तो यहां लिखा हुआ है क्लियरली रीजन टू बिलीव डज नॉट इंक्लूड सस्पिशन, गॉसिप और र्यूमर, र्यूमर को इंक्लूड नहीं करता। यहां पे एसेसिंग ऑफिसर शैल नॉट रीअसेस और असेस मैटर्स व्हिच आर सब्जेक्ट मैटर टू एन अपील रिवीजन रेफरेंस। यानी यहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर का कांसेप्ट लगता है। मतलब मान लो जैसे पांच इशू थे पहले, उसमें से तीन इशू को अपन ने आगे अपील कर दिया एसएससी ने। मतलब जैसे मान लो कोई पांच इशू आए थे उसको अपने असेसमेंट के टाइम पे कि पांच चीजें एसेसिंग ऑफिसर ने पहले डिसअलाउ कर दी थी, उसमें से उसको लगता है दो तो सही थी, दो तो मैंने गलती करी थी, वो चलो उसने मान ली, और तीन को उसने आगे अपील कर दिया। मान लो जैसे मान लो आईटीएट में अपील चल रही है उसकी, तो अब जैसे एसेसिंग ऑफिसर जो रीअसेसमेंट हो रहा है ना उसके अंदर वो तीन जो टॉपिक आगे पेंडिंग है ना उसको, या फिर जो आगे हो गए उनका ट्रीटमेंट होगा उसकी अपन बात नहीं करेंगे, बाकी दो दो टॉपिक है ना उसकी कंसिडर कर सकेंगे। यानी यहां क्लियरली लिखा हुआ है शैल नॉट, मतलब एसेसिंग ऑफिसर शैल नॉट असेस और रीअसेस मैटर व्हिच आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील रिवीजन रेफरेंस। ये क्वेश्चन आपको बार बार आ सकता है कि मान लो कोई एसएससी है उसकी अपील पेंडिंग है यहाँ पे, तो अब वो बोल रहा है कि सारे कंसेप्ट सारे जो मैटर्स है उसके ऊपर वो देगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखना आपको क्लियरली लिखना है कि केवल जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिवीजन रेफरेंस या अपील है उसके ऊपर अपन कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब उसके असेस या रीअसेस नहीं करेंगे। उसके बाद में यहाँ क्लियरली बोला है टाइम लिमिट होती है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट की, तो वो क्या होती है अगर मान लो कोई इनकम बाहर आउटसाइड इंडिया की है तो उसके लिए कितना टाइम होता है, मतलब अगर कोई इनकम है वो एस्केप हुई है, वो अगर मान लो ऐसी एसेट से रिलेटेड जो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, तो उसके लिए टाइम लिमिट है 16 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। यानी बहुत टाइम है डिपार्टमेंट के पास, अगर उसको लगता है इंडिया के बाहर को इनकम एस्केप हुई है, तो 16 साल फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर है ना, जिस ईयर में रिटर्न फाइल हुआ था उस ईयर जो असेसमेंट ईयर था उसके एंड के 16 साल के अंदर अंदर वो आराम से उसको वापस कर सकते हैं, नोटिस इशू कर सकते हैं और यहाँ पे ये इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 147 के अंदर कर सकते हैं। और अगर मान लो कोई और है जो इंडिया के अंदर ये मान लो ऐसा केस है जिसके अंदर अपन को लगता है कि जो इनकम एस्केप हुई है वो 1 लाख से ज्यादा है ना, तो 6 साल है यहां पे विद इन 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर तब तक नोटिस इशू कर सकते हैं। और अगर मान लो 1 लाख से कम है तो फिर विद इन 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है। और यहां ध्यान रखना कि अगर मान लो 1 लाख से कम है तो 4 साल है। और उसके बाद में यहां लिखा हुआ एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट, अगर मान लो कोई नॉन रेसिडेंट है उसकी वजह से अपन उस एजेंट को नोटिस इशू कर रहे हैं ना, तो वो नोटिस इशू 6 साल तक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई नॉन रेसिडेंट है उसके लिए अपन नोटिस 16 साल तक इशू कर सकते थे पहले, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे अगर एजेंट को करते हैं अपन नॉन रेसिडेंट को, तो यहां टाइम लिमिट सिर्फ और सिर्फ 6 साल ही है। उसके बाद में अपन बात करते हैं सेक्शन 150 की, वहां क्या बोला है कि टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, कौन कौन से केसेस में टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, जो अपन ने अभी टाइम लिमिट पढ़ी ना 6 साल 16 साल 4 साल 6 साल, तो इसकी टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी इन केस, मतलब द रेस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल वेयर नोटिस अंडर सेक्शन 148 इज इश्यूड फॉर मेकिंग एन असेसमेंट रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन टू गिव इफेक्ट टू एनी फाइंडिंग डायरेक्शन ऑब्टेंड बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट इज बाय वे ऑफ अपील रिवीजन रेफरेंस और बाय कोर्ट इन द प्रोसीडिंग अंडर एनी लॉ। यानी इसका मतलब इन शॉर्ट यही मतलब है कि अगर मान लो कोई टाइम लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, अगर मान लो अपन ने पहले क्या हुआ था कि अपन को लग रहा था वो इनकम है वो जो एस्केप हुई है वो मान लो 2012-13 की है और उसके हिसाब से अपन ने नोटिस इशू किया था वो तो टाइम पे था, लेकिन अगर मान लो जिस दिन वो मान लो इनकम है वो अपन ने कंसिडर तो की थी 12-13 की, वो इनकम निकली 16-17 की, तो अपन ये देखेंगे कि 16-17 की जब तक टाइम लिमिट है तब तक वो नोटिस इशू हुआ था या नहीं हुआ था, अगर तब तक नोटिस इशू हुआ था कोई इशू नहीं है। मतलब इन शॉर्ट आपको इतना ही ध्यान रखना कि टाइम लिमिट जिस ईयर की वो इनकम है ना उस ईयर तक अगर टाइम लिमिट के अंदर नोटिस इशू हुआ था तो सब सही है, उसके अलावा है तो नहीं सही नहीं है फिर वो। उसके बाद में आता है सेंक्शन फॉर नोटिस इशू ऑफ नोटिस, यहाँ पे क्या बोलता है कि टाइम लिमिट क्या है नोटिस 151 में क्या बोला है टाइम लिमिट फॉर द असेसमेंट एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर है, यहाँ पे क्या बोला है कि कौन नोटिस है वो कौन अपन को देगा। मतलब जैसे मान लो अगर अप टू 4 ईयर्स है मतलब 4 साल के अंदर अपन नोटिस इशू कर रहे हैं तो असेसिंग ऑफिसर है ना विद द परमिशन ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर वो नोटिस इशू कर सकता है। मतलब यहाँ पे कंपिटेंट अथॉरिटी है ज्वाइंट कमिश्नर, मतलब अगर मान लो 4 साल के अंदर नोटिस इशू कर रहे हैं तो ज्वाइंट कमिश्नर की अप्रूवल लेके अपन ना वो नोटिस इशू कर सकते हैं। और अगर मान लो 4 साल के बाद में नोटिस इश्यू कर रहे हैं तो असेसिंग ऑफिसर को परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी पीसीसीआईटी सीआईटी सीसीआईटी या फिर पीसीआईटी, इनकी अप्रूवल लेगा तो फिर वो यहाँ पे नोटिस इशू कर सकता है। उसके बाद अदर प्रोविजन में आता है सेक्शन 152 क्लियरली बोल रहा है कि अगर मान लो कोई इनकम एस्केप हुई है किसी पर्टिकुलर ईयर की तो उस ईयर में जो रेट थी ना वही रेट लगेगी। जैसे मान लो अब इनकम एस्केप हुई थी 2018-19 में तो जो 2018-19 में जो रेट ऑफ टैक्स थी ना वही लगेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा जो इस साल में अपन को इनकम मिली है, मान लो अपन को लग रहा है 2018-19 में गलत हुआ था और जो 2021-22 में पकड़ा गया तो ऐसा नहीं होगा 2021-22 के रेट लगा देंगे अपन, जो उस साल में रेट थी वही लगेगी। उसके बाद में लिखा हुआ है
एसएससी इज अगर ड्रॉपिंग ऑफ केस, मतलब क्या होता है, अगर मान लो अगर अपन कोई केस है वो उसको ड्रॉप कर सकते हैं दो कंडीशन में, कि एक तो एसएससी हैज बीन, मतलब मान लो जैसे कोई इनकम है उसकी, वो अगर मान लो एस्केप हुई है और उसको एस्केप करने के बाद उस टोटल इनकम में इंक्लूड करते हैं ना, उससे ज्यादा पे तो टैक्स उसने ऑलरेडी पे कर दिया। मतलब इसका मतलब ये हुआ, मान लो एसएससी के साथ पहले असेसमेंट हुआ था तब उसके 5 लाख का एडिशन हुआ था, और अब अपन को इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होता है, अपन को मिलता है कि एसएससी ने 4 लाख का घपला किया है। लेकिन आप ये बात तो देखो, 4 लाख का घपला किया है लेकिन 5 लाख तो पहले ऐड हो गया। अब 5 लाख ऐड हो गया तो वापस कैलकुलेट करोगे तो टैक्स तो लाइबिलिटी वैसे ही कम आएगी या फिर उसके बराबर आएगी, उससे ज्यादा तो नहीं आएगी ना, तो इससे ज्यादा नहीं आएगी तो अपन वापस एस्केप इनकम एस्केप असेसमेंट क्यों कर रहे हैं, तो उसको ड्रॉप कर देते हैं अपन 147 के अंदर। वो ये बोलते हैं कि अपन नहीं करेंगे यहाँ पे। और उसके अलावा एक और है कि एसएससी हैज नॉट चैलेंज, दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो ही होता है कि एसएससी हैज नॉट चैलेंज द ओरिजिनल असेसमेंट बाय फाइलिंग, मतलब अपील रिविजन रेफरेंस का मैटर में नहीं है तो, और ये वाला अगर उसकी इनकम में कंसिडर करने के बाद भी टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर नोटिस इशू नहीं कर सकता, मतलब ड्रॉप कर देंगे अपन वो प्रोसीडिंग्स को। उसके बाद में सेक्शन 153 क्या बोलता है, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट अपन ने बोल तो दिया कब होगा, क्या स्टार्ट होगा, तो यहाँ क्या बोला है, द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर्स इज 21 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर इन विच इनकम वॉज फर्स्ट असेसेबल। जिस ईयर में इनकम असेसेबल थी उसके एंड के 21 मंथ्स के अंदर अपन को ये कंप्लीशन करना है असेसमेंट प्रोसीडिंग का। लेकिन यहाँ एक और चीज लिखी हुई है, नो ऑर्डर ऑफ असेसमेंट रीअसेसमेंट या रिकम्प्यूटेशन अंडर सेक्शन 147 शेल बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। मतलब अगर मान लो कोई असेसमेंट हुआ है, रीअसेसमेंट हुआ है या रिकम्प्यूटेशन हुआ है सेक्शन 147 के अंदर, तो वो अपन विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस ईयर में अपन ने 148 का नोटिस इशू कर दिया था, उस ईयर के 9 मंथ्स के अंदर अंदर अपन कर सकते हैं, उसके बाद में नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखना टाइम लिमिट दी हुई है अपन को, अगर मान लो कोई ऑर्डर 143 या 144 यानी स्क्रूटनी असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर है, उसकी टाइम लिमिट क्या होती है, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, और सेक्शन 147 है उसमें भी 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस वॉज सर्वड है। यहाँ पे ध्यान रखना, नोटिस जिस ईयर में सर्व हुआ उसके एंड के 12 मंथ्स के अंदर आपको यहाँ कंप्लीट करना है। उसके बाद में अगर मान लो कोई फ्रेश असेसमेंट हुआ है, मतलब पहले 143, 144, 144 में है ना कोई फ्रेश असेसमेंट हुआ है, मान लो कोई पहले मान लो मैटर था उसको अपन कंसिडर नहीं किया और ऑर्डर मिला है अपन को कि भाई एओ को ऑर्डर मिला है कि भाई आपको इसको कैंसिल कर दिया पिछला और वापस रेफर किया 254 के अंदर, तो वहां क्या होता है, कितना टाइम मिलता है कि 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच जो 254 इज रिसीव्ड, मतलब जिस ईयर में जो सेक्शन 254 का नोटिस रिसीव हुआ ना उसके 12 मंथ्स के अंदर अंदर अपन को कंप्लीट करनी पड़ती है असेसमेंट। और अगर मान लो कोई ट्रांसफर टीपीओ मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को अगर कोई मैटर रेफर हुआ है ना तो एडिशनल 12 मंथ्स का टाइम मिलता है, मतलब जितना टाइम है प्लस 12 मंथ्स मिलता है अपन को। यहां ध्यान रखना क्लियरली यही बात है, यहाँ पे देखना मैंने यहाँ सिर्फ ये 1920 के बाद के ऑर्डर्स की टाइम लिमिट लिखी है, उससे पहले कि आप टाइम लिमिट कंसीडर मत करना, नहीं तो आप काफी कंफ्यूज हो जाओगे इस पेपर में, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा टाइम लिमिट है। तो मैंने ये क्लियरली 1920 है उससे बात की है ना वही लिखी है, सारे में 12 मंथ्स है, तो आप ये याद रखना कि 12 मंथ्स है सब में टाइम लिमिट, तो उससे क्या होगा आप कंफ्यूज नहीं होगा, नहीं तो क्या कहीं पे 9 मंथ्स है, 21 मंथ्स है, 18 है, 17 है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद में आता है सेक्शन 153A, इसमें क्या है असेसमेंट इन केस ऑफ सर्च ऑफ और रिक्विजिशन, मतलब मान लो अगर एसएससी है उसकी सर्च हुआ है 132 के अंदर या कोई रिक्विजिशन हुई है 132A के अंदर, तो उसमें क्या होता है जो एसेसिंग ऑफिसर है वो टोटल इनकम एसेस करेगा पिछले 6 साल की, मतलब 6 ईयर इमीडिएटली, मतलब जो 6 असेसमेंट ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच सर्च वॉज कंडक्टेड। मतलब एक इन शॉर्ट आपको इतना ही याद करना है, जिस ईयर में सर्च हुई है उससे पहले वाले जो 6 असेसमेंट ईयर्स है ना उनकी इनकम वहां एसेस या रीएसएस हो सकती है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना ये जो 6 ईयर की टाइम लिमिट है ये 10 साल की हो जाएगी, मतलब पिछले जो 6 ईयर के अपन बोले थे 6 ईयर के एसएस या रीएसएस कर सकती है उसकी जगह पिछले 10 ईयर का एसएस या रीएसएस कर सकते हैं। कौन सी ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो कौन कौन सी कंडीशन है, सबसे पहले कि अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि जो 6 साल के बाद के से लेकर जो 10 साल का टाइम लिमिट है, यानी 6 के बाद से 10 साल का टाइम लिमिट है, यानी 7वें साल से 10 साल का पिछले 10 साल असेसमेंट ईयर है ना, उनमें उसको लगता है 50 लाख या उससे ज्यादा की इनकम एस्केप हुई है, या उसको लगता है कि नहीं उसके 50 लाख या इनकम नहीं जो उस पर टैक्स बन रहा है ना वो उसका अमाउंट 50 लाख या उससे ज्यादा है,
इनकम हैज एस्केप्ड अमाउंट टू लाइकली टू 50 लैक्स और मोर, अगर उसको लगता है कि सॉरी इनकम वहां पे है ना वो 50 लाख जो उससे ज्यादा एस्केप हुई है, या फिर द इनकम सो रेफर्ड अबाउ हैज एस्केप, मतलब उसको लगता है कि ये जो 50 लाख है उससे ज्यादा की एक तो इनकम एस्केप हुई है, एक उसको लगता है उस ईयर में उस पर्टिकुलर ईयर में वो इनकम जो उसको मिली है वो एस्केप हुई थी, और तीसरी कंडीशन ये हुई है जो सर्च और रिक्विजिशन हुई है 1 अप्रैल 2017 के बाद में हुई है, यानी ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तब वो नोटिस है ना 6 ईयर के बाद से लेकर अपन 10 ईयर तक इश्यू कर सकते हैं, मतलब पिछले 10 असेसमेंट ईयर्स का अपन डेटा उससे मांग सकते हैं। तो यहां पे उसका लिए क्या लिखा है कि एसएससी होता है उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, नोटिस के जो आज मिलता है उसको उसके बाद रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं सारे 10 साल का या 6 साल का जितना भी उसको नोटिस मिलता है, और जो भी प्रोसीडिंग पेंडिंग है इन 6 साल या 10 साल की वो अपडेट हो जाएगी, और अगर मान लो जिस दिन ये ऑर्डर ऑफ एनलमेंट आ जाएगा उस दिन उसका वो सारी जो पहले असेसमेंट प्रोसीडिंग अपडेट हुई थी वो वापस रिवाइव हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्लियरली यही ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि बार बार ये क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी कंडीशन है कि अपन वो टाइम लिमिट है, मतलब ऐसा बोलेंगे असेसिंग ऑफिसर उसने नोटिस इशू कर दिया पिछले 8 साल के लिए तो वो कर सकता है या नहीं कर सकता, तो आपको ये तीनों कंडीशन लिखनी है और क्वेश्चन में चेक करना है ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, ये तीनों सेटिस्फाई होती है तो आपको यहाँ लिखना है कि ना ये असेसिंग ऑफिसर सही है या नहीं है, वो आपको उसके ऊपर कमेंट देना है। उसके बाद सेक्शन 153C आता है, उसमें आता है असेसमेंट, मतलब यहाँ पे पहले जो अपन ने बात करी थी 6 साल और 10 साल की वो बात करी थी एसएससी ऑफिसर एसएससी की खुद की, अब ये मैं बात कर रहा हूं कोई चीज किसी और की, अगर मान लो हुआ किसी और का, अगर मान लो ऐसा होता है तो मान लो अगर मान लो कोई इसकी इनकम या इनकम मिलती है कोई एसेट मिलती है, तो अगर मान लो कोई इनकम या उसकी एसेट है किसी और पर्सन को किसी और, मतलब जैसे मान लो जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है उसको अगर कोई और कंपनी है जैसे मान लो जियो है, जियो की एसेट है वो रिलायंस कंपनी के ऑफिस में मिलती है, या मान लो कोई बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो रिलायंस के ऑफिस में मिलता है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि जो उसका ज्यूरिडिक्शनल एओ है, मतलब जो रिलायंस जियो का ज्यूरिडिक्शनल एओ है ना उसको वो डॉक्यूमेंट्स और एसेट है हैंड ओवर कर देगा वो एसएससी, मतलब जिस एसएससी को एसेसिंग ऑफिसर को मिली है ना वो जिस ज्यूरिडिक्शन का वो जो कंपनी है ना उसके एसेसिंग ऑफिसर को बोल देगी कि हाँ ये तुम्हारी कंपनी तुम्हारे जो ज्यूरिडिक्शन है उसकी कंपनी के हैं तो आप उसके ऊपर आप ट्रीटमेंट करो उसका। उसके बाद में वो ज्यूरिडिक्शनल एसेसिंग ऑफिसर है वो उसकी इनकम एसेस करेगा और उसको लगता है कि मान लो वो सेटिस्फाई होता है कि भाई अगर इनकम एस्केप हुई है तो फिर वो टोटल इनकम इंक्लूड करने के लिए 6 साल और 10 साल की सेम कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, और वहां उसको बोल सकता है कि 6 साल और 10 साल के लिए वापस रिटर्न फाइल करो और उसकी इनकम कैलकुलेट करेगा, और इनकम ये जो ऊपर वाला 153A में हुआ था सेम टू सेम वो यहां पे होगा। उसके बाद में टाइम लिमिट क्या होती है, 153B है, मैंने सी से पहले आपको पहले सी पढ़ाया तो उसके बाद बी पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसमें टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट क्या बोला है, अगर 153A का मैटर है मतलब जब अपन ने असेसमेंट किया प्रीवियस ईयर में जिस ईयर में सर्च हुई है ना उसके 6 साल और 10 साल का, तो फिर यहां टाइम लिमिट की है कितनी है कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट के लिए 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन व्हिच सर्च वाज कंप्लीटेड, जिस ईयर में सर्च कंप्लीट होती है, यहां कंप्लीट बोला है मैंने, जिस ईयर में सर्च कंप्लीट होती है उसके 12 महीने के अंदर आपको कंप्लीट करना है असेसमेंट, नहीं तो फिर वो आप उससे ज्यादा टाइम नहीं ले सकते हो। उसके बाद 153C यानी किसी और एसएससी की इंफॉर्मेशन मिली थी अपन को उसके वहां पे, तो जो 6 साल और 10 साल का यहां पे टाइम हुआ था उसमें यहां ध्यान रखना दो टाइम लिमिट है कि इनमें से जो जल्दी होगी उसको लेना, अर्लियर ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच सर्च वाज कंप्लीटेड, जिस ईयर में सर्च हुआ उसके 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और एक और है 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एसेट वर हैंडेड ओवर टू द ज्यूरिडिक्शनल एओ, यानी जिस ईयर में जो एसेसिंग ऑफिसर मेन उस कंपनी से रिलेटेड जो एसेसिंग ऑफिसर उसको वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स मिले थे ना, मतलब किसी और के वहां मिले थे, तो अब जिस ईयर में उसको हैंड ओवर करे थे उसके 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करना है, इनमें से जो जल्दी होगा ना उस टाइम लिमिट के अंदर उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद सेक्शन 192C है, ये क्वेश्चन बार बार आपको रिपीट होता है तो आप इसको अच्छे से करना। यहाँ क्या बोला है कि अगर मान लो जब सर्च होती है 132 के अंदर या सर्वे होता है 133A के अंदर, तो जैसे कुछ प्रिजम्पशन लेते हैं अपन कि मान लो जैसे ये 4 कंडीशन है ना ये कंप्लाई होती है, जैसे कि अगर मान लो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, मनी है, बुलियन है, ज्वेलरी है, ये और कोई वैल्यूएबल आर्टिकल थिंग है, ये अगर वो मिलती है ना अपन को तो अपन मानेंगे जहां पे मिली है ना वो उसी पर्सन की है। दूसरी चीज क्या है कि जितना भी कोई जो कंटेंट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ है वो सब करेक्ट है, जो भी लिखा हुआ है ना मान लो कुछ और कुछ भी लिखा हुआ है ना, मतलब कोई गलत एंट्रियां पास करी हुई है या कुछ और लिखा हुआ है वो सब अपन मानेंगे करेक्ट है। दूसरी बात अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर साइन करे हुए हैं तो जिस पर्सन की अपन को लग रहा है जिस पर्सन की हैंडराइटिंग अपन मानेंगे उसी पर्सन ने लिखा है, ऐसा नहीं हो सकता अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट पर साइन है और वो पर्सन आके बोल देने ये मेरे साइन है ये तो फर्जी साइन मेरे साइन किसी और ने कर दिए, बट ऐसा नहीं मानेंगे। अगर ऐसा होता है तो अपन ऐसा मानेंगे जिस पर्सन के वो साइन लग रहे हैं जिसकी हैंडराइटिंग लग रही है उसी पर्सन के साइन है वो। और उसके बाद में अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट है जिसपे स्टाम्प लगा हुआ है या कोई एग्जीक्यूटेड या कोई अटेस्ट करी हुई है तो अपन मानेंगे साइन करा हुआ है तो अपन मानेंगे वो जो एक्चुअली में अटेस्ट करा है और उसी पर्सन ने अटेस्ट किया जिसके वहां पे वो मिली है।
उसी पर्सन ने अटेस्ट किया है। उसके बाद में सेक्शन 154 आता है, ये क्वेश्चन बार बार आता है, आप ध्यान रखना इसका अच्छे से, ये आ सकता है आराम से। सेक्शन 154 की बात करें, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। सेक्शन 154 में क्या होता है, अगर कोई मिस्टेक अपन को मिल रही है ना, अगर मान लो कोई एसेसिंग ऑफिसर को कोई मिस्टेक मिलती है ना, तो उसको रेक्टिफाई कर सकता है। यहाँ पे अगर एसएससी को भी कोई मिस्टेक मिलती है तो भी वो एसेसिंग ऑफिसर को बोल सकता है रेक्टिफाई करने को। तो यहाँ क्या बोलता है, क्या बोला है कि भाई विद द व्यू ऑफ रेक्टिफाइंग मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड। अब यहाँ लिखा मिस्टेक अपेरेंट ऑफ द रिकॉर्ड, अगर उसमें मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड में दिख रही है कहाँ मिस्टेक है, तो वो कैसा कोई अमेंड कर सकती है कोई ऑर्डर को, कोई इंटीमेशन पास किया तो वो इंटीमेशन को भी अमेंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ होता है मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड का मतलब क्या है, उसमें लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है, मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड मे बी अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज वेल एज मिस्टेक ऑफ लॉ। कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट है या मिस्टेक ऑफ लॉ, दोनों कंसीडर करेंगे, और मियर चेंज इन द ओपिनियन है तो वो रेक्टिफिकेशन का कंसेप्ट मतलब वो उसके कारण रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता है कि मुझे पहले ये लग रहा था अब ये लग रहा है, उसकी वजह से रेक्टिफिकेशन नहीं होगा। उसके बाद में अगर मान लो कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया बाद में तो उसको कंसिडर करेंगे, या फिर कोई रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ हो गया तो उसकी वजह से भी अपन मिस्टेक को रेक्टिफाई करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वो कोई मैटर है वो अगर मान लो विच हैज बीन अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील रिवीजन रेफरेंस है तो उसको अपन अमेंड नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लियर वही लिखा हुआ है जो हर बार होता है, अगर मान लो कोई भी मैटर रिवीजन रेफरेंस या अपील में है तो उसको अपन यहाँ पे रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते, उस पर कुछ भी नहीं कर सकते, उसके ऊपर असेसमेंट ऑर्डर भी नहीं पास होता, कुछ नहीं होता है। उसके बाद में टाइम लिमिट की होती है रेक्टिफिकेशन की, मान लो असेसिंग ऑफिसर रेक्टिफिकेशन कर रहा है तो 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर इन विच ऑर्डर सो टू बी अमेंडेड वॉज पास, मतलब जिस ईयर में असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ था, जो ऑर्डर है वो पास हुआ था उस ईयर के उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 4 साल तक कर सकते हैं। और उसके बाद में मान लो अगर एसएससी एप्लीकेशन देता है तो 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड, मतलब कब तक अपन को रेक्टिफिकेशन करना है, यहां पे लिखा हुआ है कि 6 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन ऑफ रिसीव्ड, मतलब एसएससी मान लो एप्लीकेशन करी तो उसके 6 महीने के अंदर उसको रेक्टिफाई करना है। यहां पे सेक्शन 156 लास्ट सेक्शन आता है नोटिस ऑफ डिमांड, अगर मान लो कोई डिमांड का नोटिस आता है, कोई इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन पेएबल है तो उस पर्सन को पे करनी है, लेकिन वो ध्यान रखना ये नोटिस ऑफ डिमांड है वो स्पेसिफिक फॉर्म में होगा और वहां लिखा हुआ आएगा उसके अंदर कितना अमाउंट पेएबल है, किस पर्सन को दिया है, कितना अमाउंट पेएबल है, और एक फॉर्म में आएगा कि इस प्रकार आता है, फिक्स फॉर्मेट होता है उसमें आता है नोटिस ऑफ डिमांड। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मान लो कोई नोटिस ऑफ डिमांड इशू नहीं किया एसएससी को, एसेसिंग ऑफिसर ने, अगर मान लो वो भूल गया तो फिर वो रिकवरी प्रोसीडिंग है वो इनवैलिड हो जाएगी। मतलब मान लो जैसे मान एसएससी है उसको 1 lakh उसके इससे पेएबल था, उसको नोटिस ऑफ डिमांड मतलब उस नोटिस में अपन ने मांगा कि इतना पैसा ड्यू आप पे करो, अगर मान लो वो पे कर नोटिस इशू करना ही भूल गई एसएससी ऑफिसर इशू करना भूल गया तो उससे क्या होगा, तो वो रिकवरी प्रोसीडिंग है ना, मतलब कल को जाके अपन उसके एसेट सीज कर लेते हैं, बोलते हैं लाओ पैसे लाओ 1 से 1 lakh ड्यू है, तो वो नहीं कर सकते हैं, पहले नोटिस इशू होगा तो ही रिकवरी प्रोसीडिंग होगी। उसके बाद यहाँ लिखा है कि जो इंटीमेशन है सेक्शन 143(1) के अंदर जो मैंने बोला था उसमें अर्थमेटिकल एरर वगैरह करेक्ट करते हैं, उसके बाद 200A का या 206CB का वो अपन डिमांड नोटिस ही मानेंगे उनको इस सेक्शन के लिए। मतलब जो अगर इशू हो गए जैसे इंटीमेशन होता है उसमें अपन मैंने बोला था जैसे एसएससी ने जो रिटर्न में इनकम कैलकुलेट होती है वो आती है और जो डिपार्टमेंट को लगता है वो आती है, उन दोनों में डिफरेंस है तो वो अपन मानेंगे कि डिपार्टमेंट ने उसकी डिमांड नोटिस दी है, उन दोनों में जो डिफरेंस है वो एसएससी को पे करना है, उसका डिमांड नोटिस ही मानेंगे उसको। यहां एक क्वेश्चन एक चीज और ध्यान रखना कि अगर मान लो एसएससी है उसने टाइम एसएससी ऑफिसर है उसने टाइम लिमिट के अंदर डिमांड नोटिस इशू नहीं किया, जहां जो अपन ने यहां टाइम लिमिट इशू देखी ना, अगर टाइम लिमिट के अंदर उसने नोटिस इशू नहीं किया लेकिन फिर भी एसएससी है उसने उसको जैसे मान लो पता नहीं था या फिर उसने कोऑपरेट कर लिया कि हाँ ये सब सही चल रहा है या उसको कोई डॉक्यूमेंट मांग रहे थे उसने डॉक्यूमेंट फर्निश कर दी, तो अपन ऐसा अज्यूम नहीं करेंगे कि उसको नोटिस इशू नहीं हुआ था या फिर इशू हुआ था इंप्रॉपर वे में हुआ था। तो मतलब अगर मान लो एसएससी है अगर उसको लगता है कि उसको नोटिस इशू नहीं हुआ था तो फिर वो डिपार्टमेंट है उसके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहिए उसको, अगर मान लो कोई नोटिस उसको इशू भी नहीं हुआ फिर भी वो डिपार्टमेंट जैसा बोल रही है वैसा कर रही है तो ऐसा अज्यूम करेंगे कि हाँ उसको डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू टाइम पे कर दिया था, तो उसके बाद में वो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता है, और रेज करता है तो वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका असेसमेंट चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं आपको बता दूं आप असेसमेंट चैप्टर है उसमें टाइम लिमिट पे ज्यादा दिमाग मत लगाना क्योंकि इतनी टाइम लिमिट आप कंफ्यूज हो जाओगे, ज्यादातर 12 months है और उसके बाद में अगर मान लो कोई ऑर्डर पास करने की वहां ज्यादातर 4 years है, तो आप उसको इतना ध्यान में रखना, ज्यादा क्वेश्चन ऐसा आता भी नहीं है और आ जाए तो भी ऐसा नहीं होगा कि आप हर बार ही सही कर पाएंगे उसको, तो इसलिए आप एक बार नॉर्मल कंसिडर कर लें। और ज्यादा ऐसा कई जगह लिखा हुआ है 1 April 2019 से पहले ये टाइम था, 1 April 2018 से पहले ये टाइम था, उसको कंसिडर मत करना, आप एक टाइम कंसिडर करो कि अब क्या लग रहा है, अब 1 April 2019 के बाद जो टाइम है ना मैंने यहाँ पे हर जगह वही डाला है उसको ही आप कंसिडर करो, नहीं तो आप बार बार कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे आपके डायरेक्ट टेस्ट के जो 70 marks है उसके रिविजन लेक्चर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का भी लिंक डाल दूंगा और जो सारे चैप्टर है उसका कंपाइल करके नोट्स का लिंक डाल दूंगा, तो आप वो वहां से हेल्प हो जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।